स्नेह एवं वीरे जनित उद्बोधन। श्रील प्रभुपाद जन्म स्थान संग्रह रूपी सेवा कार्य। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की श्री जगन्नाथपुरी स्थित आविर्भाव स्थली को प्राप्त करने के सुयोग को उपस्थित जानकर गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य मठ के तत्कालीन आचार्य श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज से श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज के माध्यम से निवेदन करते हुए कहा, आपके पास साधनों का कोई अभाव नहीं है, आप श्री चैतन्य मठ की ओर से इस स्थान को संग्रह कर लें, तब हम सभी को अंततः वहाँ पर बैठने एवं प्रणाम करने आदि का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज ने उत्तर दिया, मुझे तो श्रील प्रभुपाद ने उस स्थान को संग्रह करने के विषय में कोई आदेश प्रदान नहीं किया था। दूसरा, श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्तियों ठाकुर की आविर्भाव स्थली को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने तो केवल सीधा मायापुर के सेवा सौष्ठव को वर्धित करने की ही सर्वदा बात कही थी तथा इस प्रकार उनकी शिक्षाओं एवं उनके धाम की सर्वोत्कृष्टता को जगत में स्थापित करने का ही निर्देश दिया था। उनके उत्तर को सुनने के पश्चात गुरु महाराज ने बाग बाजार स्थित श्री गौड़िया मठ के तत्कालीन आचार्य श्री भक्ति केवल ओडोलोमी महाराज से अपने गुरु भ्राता श्री जगमोहन प्रभु एवं मुझे सेवक सूत्र में अपने साथ ले जाकर उपरोक्त स्थान को संग्रह करने हेतु निवेदन किया, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, हमारे पास इतना अधिक धन व्यय कर उस स्थान को संग्रह कर पाना संभव पर नहीं होगा। दूसरा, आप गौड़िया मठ के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ भिक्षा संग्रहकर्ता कहलाते हैं, इसलिए आप इस दायित्व को वहन करें तो अभाव हो ही नहीं सकता। उनकी बात सुनकर गुरु महाराज लौट आए। जब हम टैक्सी में वापस आ रहे थे तब गुरु महाराज ने श्री जगमोहन प्रभु से एक बंगाली लोक उक्ति का उल्लेख करते हुए कहा, भाग्यर माँ गंगा पाए ना, अर्थात ऐसी माँ जिसके अनेक पुत्र होते हैं उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने हेतु उसका कोई भी पुत्र उपस्थित नहीं होता। कारण सभी पुत्र मन में यह धारणा कर लेते हैं कि यह कार्य अन्य भाई कर लेगा, मुझे ही इस विषय में इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है इत्यादि। अंततः उस माँ की अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित हो ही नहीं पाती। इसी का विचार करके गुरु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक है, जितना हो सकेगा हम उस स्थान को संग्रह करने का प्राण पर प्रयास करेंगे, एकमात्र माधव कोई अन्य नहीं। उन दिनों श्रील प्रभुपाद के प्राय समस्त शिष्यगण श्री नवदीप परिक्रमा के पूर्ण होने के पश्चात कोलदीप स्थित श्री श्रीमद भक्ति रक्षो श्रीधर गोस्वामी महाराज के मठ में एकत्रित होते थे। इस बार जब गुरु महाराज वहां अपने गुरु भ्राताओं से मिले, उन्होंने सबको इस संवाद से अवगत कराया कि श्री जगन्नाथपुरी स्थित श्रील प्रभुपाद जी की जन्मस्थली को संग्रह करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है एवं ये सुझाव दिया कि हम सब मिलकर उस स्थान को खरीद लें। परस्पर इस विषय पर विचार विमर्श करने के पश्चात उनके कुछ गुरु भ्राताओं ने अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ धन प्रदान करने की सहमति दी, परंतु ये समस्त राशि भी आवश्यक निधि की तुलना में नगण्य थी। गुरु महाराज ने व्याग्रता का अनुभव करते हुए कहा, हमें आवश्यक धन संग्रह करने का कोई अन्य उपाय सोचना पड़ेगा। उस समय श्री श्रीमद भक्ति विचार यावर गोस्वामी महाराज ने श्री नरसिंह पुराण के इस श्लोक का उल्लेख किया, माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरंती माधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवम। माधव नाम सबके मुख पर है, माधव सभी के हृदय में है। समस्त साधुगण अपने सभी कार्यों को करते हुए श्री लक्ष्मी जी के स्वामी श्री माधव को सदा स्मरण करते हैं। यद्यपि इस श्लोक में माधव नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु श्रील यावर गोस्वामी महाराज ने यह श्लोक
गुरु महाराज के संदर्भ में कहा था एवं उनका अभिप्राय था। सभी गुरु भ्राताओं के वचनों में एवं हृदय में श्री माधव महाराज उपस्थित हैं। सभी गुरु भ्राता श्री माधव महाराज को स्मरण करते हैं, कारण वे जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लक्ष्मी अर्थात धन संग्रह कर सकते हैं। सभी गुरु भ्राता अपने समस्त कार्यों में श्री माधव महाराज को स्मरण करते हैं, अतः जब वे उपस्थित हैं तब सभी कार्य पूर्णता संभव हैं, किसी अन्य पर निर्भर होने की क्या आवश्यकता है। यह सुनकर गुरु महाराज समझ गए कि उनके सभी गुरु भ्राता इस महत् कार्य का दायित्व केवल उन्हें ही सौंप कर उन पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन सभी को साक्षात दंडवत प्रणाम ज्ञापन किया। इस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक उन्होंने श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान को संग्रह करने का संपूर्ण दायित्व स्वीकार किया। अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं गड़बड़ियों के कारण जिस स्थान की प्राप्ति की आशा को परित्याग करके इस्कॉन जैसे बृहद एवं साधन संपन्न संस्थान के लोग भी हताश होकर चले गए थे, उस स्थान को प्राप्त करने हेतु गुरु महाराज ने अनेक शारीरिक एवं मानसिक कष्ट यातनाओं को स्वीकार किया तथा दीर्घ काल तक चेष्टाएं करने के उपरांत वे इस स्थान को प्राप्त करने के प्राय अंतिम चरण पर पहुंच गए थे। इसी बीच श्री चैतन्य मठ से श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी के आश्रित श्री भक्ति प्रज्ञान यति महाराज ने दक्षिण पार्श्व मठ के अधिकारियों को, जो इस स्थान का दायित्व हमें प्रदान करने वाले थे, एक आवेदन पत्र भेजा तथा साथ में प्रमाणों सहित अनेक पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा, हमारा श्री चैतन्य मठ ही मूल मठ है तथा वास्तविक मठ है। हमें ही श्रील प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली का दायित्व ग्रहण करने का वास्तविक अधिकार है। श्री माधव महाराज ने जिस मठ की ओर से आवेदन पत्र दिया है वह मूल मठ नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने उच्च न्यायालय में भी स्टे ऑर्डर अर्थात रोक आदेश प्राप्त हेतु याचिका दाखिल कर दी। गुरु महाराज उक्त दुस्संवाद को सुनकर अत्यंत व्यथित हुए, कारण कि उन्होंने तो किसी प्रकार के प्रयास को आरंभ करने से पूर्व ही श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज को यह प्रस्ताव दिया था। उनकी सहमति के अभाव में ही गुरु महाराज अपने अन्य गुरु भ्राताओं के सम्मुख सहयोग हेतु प्रार्थनारत हुए थे एवं तत्पश्चात स्वयं ही इस कार्य के लिए सचेष्ट हुए थे। अतएव अब इतने अधिक प्रयास के बाद उनके लिए कार्य से दूर होना संभव पर नहीं था। गुरु महाराज व्यथित तो हुए परंतु लेश मात्र भी निरुत्साहित नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, प्रस्तुत अवरोध के अभाव में यह संभव था कि अपने प्रयासों में हम लोग कुछ शीतलता पूर्वक अग्रसर होते, परंतु इस प्रतिकूल अवस्था में हम अधिक सुदृढ़ता पूर्वक चेष्टारत होंगे तथा अति शीघ्र सफलता प्राप्ति हेतु अथक प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की कृपा से न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर अर्थात रोक आदेश पारित होने से एक दिन पूर्व ही स्थान का पंजीकरण कार्य संपन्न हो गया। श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान पर व्यास पूजा महोत्सव का प्रथम आयोजन। श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली पर गुरु महाराज की सेवा अध्यक्षता में 28 फरवरी 1978 को श्रील प्रभुपाद के 104वें आविर्भाव महामहोत्सव का आयोजन किया गया था। 26 फरवरी से 2 मार्च पर्यंत पंच दिवस व्यापी विराट धर्म सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। उसी में महासंकीर्तन के साथ आधारशिला स्थापन अनुष्ठान भी संपन्न हुआ था। गुरु महाराज ने समस्त गुरु भ्राताओं को श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव तिथि महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु स्वहस्त लिखित आमंत्रण पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कृपया उत्सव में सम्मिलित होकर हम पर कृपा आशीर्वाद करें। गुरु महाराज के आह्वान से भारत के विभिन्न प्रांतों से सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, ग्रस्त भक्तों एवं अनेक अन्य सज्जन व्यक्तियों ने आकर उत्सव में योगदान किया था। कुछ विदेशी भक्त भी उपस्थित हुए थे। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के संस्थापक गुरु महाराज श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज,
तथा उनके साथ रहकर श्रील प्रभुपाद की सेवा में संपूर्ण रूप से योगदान करने वाले श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, श्रीपाद जगमोहन प्रभु, श्रीपाद उदाहरण प्रभु, श्रीमद इंदुपति दास बाबाजी महाराज इत्यादि के अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद के अन्य अनेक आश्रितजनों ने आकर उस उत्सव में योगदान दिया था। उनमें से प्रमुख श्रील प्रभुपाद के आश्रितजनों में परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति विचार यजावर गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति विलास भारती गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति सौध आश्रम गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद कृष्णदास बाबाजी महाराज, श्री श्रीमद रास बिहारी दास बाबाजी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति प्रपन्न दंडी गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति सुरित बोधायन गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति प्रपन्न दामोदर गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति सुव्रत परमार्थी गोस्वामी महाराज, श्रीपाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ब्रह्मचारी, श्रीपाद डॉक्टर श्याम सुंदर ब्रह्मचारी तथा श्रीपाद यति शेखर दास अधिकारी आदि अनेक भक्तों ने भी उस समय योगदान दिया था। श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा के उपलक्ष्य में 5 दिवस पर्यंत अनेक भक्तों ने अनेक उपदेशों आदेशों निर्देशों आचरण चरित्र एवं व्यक्तित्व आदि का विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णन किया था। उसी कथा प्रसंग के क्रम में पूज्यपाद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने अत्यधिक उत्कंठित होकर आनंद पूर्वक सभी के समक्ष निवेदन करते हुए कहा था, अब जब हमें श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली पर गौड़ीय मठ स्थापित करने का सुयोग प्राप्त हो ही गया है, तब फिर प्रत्येक वर्ष सभी प्रभुपाद आश्रित जनों द्वारा एकत्रित होकर इसी स्थान पर उनकी आविर्भाव तिथि तथा उनके समाधि पीठ श्रीधाम मायापुर में उनकी तिरोभाव तिथि का पालन करने से हम सभी को अत्यधिक अपार आनंद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम संपद को संग्रहित करने हेतु पुरी में आविर्भाव लीला। अपने प्रवचनों में गुरु महाराज प्रायः श्रील प्रभुपाद के पृथ्वी पर दिव्य आविर्भाव के प्रति अपना उज्ज्वल दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। हुतकले पुरुषोत्तमात् पद्म पुराण में कथित इस व्यासवाणी अर्थात उत्कल से ही पृथ्वी पर सर्वत्र कृष्ण भक्ति प्रचारित होगी, इस भविष्यवाणी की सार्थकता श्री पुरुषोत्तम धाम में श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव के उपरांत ही प्रकटित हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में उन्नत उज्ज्वल रस का वितरण करने के उद्देश्य से श्रीधाम मायापुर में आविर्भूत तो हुए, किंतु उन्होंने उसका वितरण श्री जगन्नाथपुरी से किया तथा फिर प्रेम रूपी सर्वोत्कृष्ट संपत्ति को यहीं पर रख अपनी अंतर्ध्यान लीला प्रकाशित की। कुछ समय पश्चात श्रील प्रभुपाद ने पूरी धाम में आविर्भूत होकर उस प्रेम संपद को संग्रहित किया एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली श्रीधाम मायापुर से उसका संपूर्ण विश्व में वितरण किया। बाह्य परिस्थितियों की उपेक्षा अतीत अटूट श्रद्धा का परिचय प्रदान। श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली को संग्रह करने से पूर्व हम अपने गुरु महाराज के साथ श्री जगन्नाथपुरी में आकर विभिन्न स्थानों पर रहते थे। गुरु महाराज पूज्यपाद श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज आदि सभी प्रभुपाद आश्रित जन इस स्थान पर प्रायः बाहर से ही दंडवत प्रणाम करते थे, कारण अंदर जाने के लिए पूर्वानुमति लेना आवश्यक था, अन्यथा अंदर जाना निषेध था। इस स्थान के बाहर बहुत अधिक गंदगी होती थी, किंतु गुरु महाराज एवं श्रील प्रभुपाद के अन्य शिष्यगण बाह्य स्वच्छता की तनिक भी चिंता किए बिना वहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। ये देखकर सभी आश्चर्य तथा साथ ही सम्मान से भर जाते थे। मैं तो प्रणाम करने में भी संकोच करता था, किंतु सभी को प्रणाम करते देखकर मैं कुछ स्वच्छ स्थान देखकर
पंचांग प्रणाम कर शीघ्र उठ जाता था, किंतु बाद में स्थान की महिमा को गुरुवर्गों के मुख से पुनः पुनः श्रवण कर धीरे धीरे मैंने भी उन्हीं की भांति साक्षात दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ किया। आचार्य नियुक्ति के विषय में उनकी विशुद्ध विचारधारा। गुरु महाराज प्रत्येक कार्य करने से पूर्व अनेक भक्तों को अलग अलग बुलाकर उनसे परामर्श करते तथा अंत में अपना विचार प्रकाशित करते थे। एक समय गुरु महाराज ने मुझे अपने निकट बुलाया तथा कहा, मेरे इस जगत में चले जाने के पश्चात श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की ठीक ठीक परिचालना चलते रहने के उद्देश्य से मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति विचार यजावर महाराज ने मुझे चार आचार्य को नियुक्त करने का परामर्श प्रदान किया है। कारण उनका कहना है कि किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जिसकी बात सभी लोग मान लेंगे। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि वे स्वयं भी अपने मठ में चार आचार्य को नियुक्त करने जा रहे हैं। मैंने इसके विषय में अन्य भक्तों से भी राय मांगी थी तथा मैंने उन लोगों के मत को श्रवण भी किया है। तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? मैंने उत्तर दिया, यद्यपि मैं इस विषय में अपनी किसी भी राय को देने में अयोग्य हूँ तथा आपने मुझे यह भी नहीं बताया कि जिस जिस से आपने परामर्श किया है उन्होंने आपसे क्या कहा है, तब भी मुझे प्रतीत होता है कि एक आचार्य को नियुक्त करने से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ संस्थान कुछ स्थायी समय तक ठीक से टिक सकता है। कारण चार चार आचार्यों के शिष्यों का एकत्रित वास होने पर कलह होगा, ऐसा मुझे लगता है। गुरु महाराज ने पुनः मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे जाने के पश्चात आचार्य का दायित्व ग्रहण करोगे? मैंने उत्तर दिया, मैं इस दायित्व को ग्रहण करूंगा अथवा नहीं, अभी तक तो मैंने कभी इस विषय में कोई विचार ही नहीं किया है। किंतु मैं इतना दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि मेरी अभी तक जीवों के प्रति श्री प्रहलाद महाराज अथवा श्री वासुदेव दत्त की भांति इतनी प्रीति नहीं हुई है कि मैं उनके लिए नरक में जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसी कारण मैं इस कार्य को करने के लिए अभी उत्साहित नहीं हूँ। दूसरा, मैंने आपके श्री मुख से यह भी श्रवण किया है कि भक्ति लता बढ़ते बढ़ते जब भगवान श्री कृष्ण के बाद पद्म का आश्रय ग्रहण करती है तो वहीं उसी कल्प वृक्ष के संरक्षण में उसमें फल इत्यादि लगते हैं। साधक स्वयं फल का आस्वादन करता है तथा जब प्रेम फल इतने अधिक हो जाते हैं कि साधक स्वयं उनको खा नहीं पाता और उन फलों को यदि वह वितरित ना करे तो वे फल नष्ट हो जाएंगे। इसी कारण उन फलों को उस समय वितरण करने की अभिलाषा उसके हृदय में जागृत होती है। मेरी अभी तक उस प्रकार की उन्नत अवस्था भी नहीं आई, इसलिए मैं इस सेवा कार्य को करने में अभी उत्साहित नहीं हूँ। शास्त्र पढ़ाइया सवे यही कर्म करे, श्रोतार सहिते यम पाशे डूबे मरे। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 2:68। शास्त्रों के अध्यापन के कार्य में नियुक्त इंद्रिय तर्पण परायण शिक्षक अपने शिष्यों सहित यमपाश में बंद कर दंड भोग करते हैं। मेरी बात सुनने के पश्चात गुरु महाराज ने कहा, तुम इस विषय में भली भांति निष्णात होने के लिए श्री हरि भक्ति विलास के द्वितीय पर्व में वर्णित गुरु शिष्य के लक्षण तथा श्री वेदांत सूत्र के विचार का पुंखानुपुंख विचार करना। प्रयोजन होने पर आचार्य का कार्य भी करना पड़ेगा। पहले मेरा भी गुरु आचार्य का दायित्व लेने का विचार नहीं था। श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के पश्चात जो कोई भी मेरे प्रति आकृष्ट होता था मैं उन्हें श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति विचार यजावर महाराज इत्यादि के पास भेज देता था। किंतु समय के फेर से सेवा के उद्देश्य से मुझे भी ये सेवा कार्य करना पड़ा। दीक्षा ग्रहण करना जिस प्रकार से भक्ति का अंग है, किसी को दीक्षा प्रदान करना भी उसी प्रकार से भक्ति का ही अंग है। मैं नित्य काल के लिए तो इस जगत में रहूंगा नहीं, अतएव मेरे पश्चात श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान के आश्रितजनों को किसी न किसी का अनुगत्य तो अवश्य ही करना पड़ेगा, अन्यथा
स्वेच्छाचारी होने में तो मंगल नहीं है। एक समय श्री जे एन वासु नामक एक वकील ने जब श्रील प्रभुपाद से कहा, किसी एक व्यक्ति को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करना अच्छा है, आप पहले से इच्छा पत्र अर्थात विल करके ऐसा सुनिश्चित कर दें, तभी भविष्य में अच्छा रहेगा। किंतु श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, आचार्य निर्णय वास्तव में बद्ध जीव के द्वारा नहीं होता, इसका निर्णय ऊपर से अर्थात भगवान अथवा भगवान की ओर से उनके किसी शुद्ध भक्त, एक मुक्त पुरुष जो बद्ध जीव के चतुर्विध दोषों से सर्वदा मुक्त है, के द्वारा होता है। अन्यथा बहुत से मनुष्य कहेंगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए इत्यादि। इसलिए मनुष्यों के द्वारा अथवा वोट इत्यादि देकर साधु निर्णय आचार्य निर्णय करना उचित नहीं है। सूर्य के उदित होने पर जैसे सभी उसे देख पाते हैं, उसी प्रकार भगवत इच्छा से आचार्य के उदित होने पर सभी उसे स्वतः ही देख पाएंगे। यद्यपि मैं भी इस विचार का ही हृदय से अनुमोदन करता हूँ, तथापि उनके द्वारा पूर्व में कही गई बात आचार्य नियुक्त नहीं किया जाता का दुरुपयोग हो सकता है, एवं कोई अयोग्य अनाधिकारी व्यक्ति अपने प्रभुत्व के बल पर आचार्य के पद पर आसीन हो सकता है। इसी कारण उस समय की वर्तमान परिस्थिति को देखकर अपने अंतिम समय में श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में अपने उपस्थित बहुत से श्रेष्ठ शिष्यों से कहा था, फॉर्म अ गवर्निंग बॉडी ऑफ 10 to 12 मेंबर्स एंड कुंज बिहारी वुड मैनेज इट एज लॉन्ग एज ही लिव्स। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात उन्हीं के निर्देश अनुसार 12 सदस्यों की गवर्निंग बॉडी अर्थात संचालन समिति बनाकर उसी के मत अनुसार एक आचार्य को नियुक्त किया गया, जिसे बाद में प्रायः उन्हीं में से अधिकांश सदस्यों ने अस्वीकार भी किया। किसी के भी पास श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित कोई स्पष्ट इच्छा पत्र नहीं होने के कारण बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। बाद में जब श्री एस एन बनर्जी नामक वकील से सब कुछ पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ के कागज पत्र इत्यादि देखकर पता चलता है कि यहाँ पर तो प्रायः समस्त कार्य सार्वजनिक किस्म के हैं, समिति के संरक्षक अर्थात ट्रस्टी का कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त मामला मुकदमा आदि केवल समिति के नियुक्त संरक्षक के माध्यम से ही हो सकता है। इससे पूर्व श्रील प्रभुपाद ने किसी अन्य उद्देश्य से श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण, श्री अनंत वासुदेव परा विद्याभूषण तथा श्री परमानंद ब्रह्मचारी को संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। श्री एस एन बनर्जी के परामर्श अनुसार श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण एवं श्री परमानंद ब्रह्मचारी ने मिलकर श्री अनंत वासुदेव के विरुद्ध मुकदमा किया तथा मठों के 2 भागों में विभाजित होने की एवं उसके पश्चात उनके एक एक करके अनेक विभाग होने की बात को तुम भली भांति जानते हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिनकी योग्यता थी वे सभी तो अलग अलग होकर प्रचार सेवा कार्य में व्यस्त हो गए तथा उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठान भी बना लिए, किंतु जिनमें उस प्रकार की योग्यता का अभाव था जो स्वेच्छापूर्वक प्रचार सेवा का कार्य अथवा आचार्य आदि के रूप में जीवन यापन करने में अनिच्छुक थे, उन्हें अनेक प्रकार की दुखदायी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के द्वारा भी कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं दिए जाने के कारण उनके द्वारा संस्थापित श्री गौड़ीय संघ को भी उनके अप्रकट के पश्चात अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसी कारण उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं उनके परिणाम को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि तुमने कहा, एक आचार्य होने से संस्थान कुछ लंबे समय तक स्थायी रह सकता है वाली बात का पक्षपाती होने के कारण मैं अपने प्रकट ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं के परामर्श से किसी एक को प्रधान अथवा आचार्य के रूप में नियुक्त कर दूंगा। शिष्यगण यदि उसे स्वीकार कर लेंगे तो मैं सुखी होऊंगा।
मैंने श्रील प्रभुपाद के विचार अनुसार 12 सदस्यों की गवर्निंग बॉडी संचालन समिति भी बना दी है। मेरे द्वारा नियुक्त आचार्य अपने बाद में होने वाले आचार्य पद हेतु उनमें से 3 लोगों के नाम उल्लेख कर सकते हैं, किंतु वे किसी को भी आचार्य पद पर नियुक्त नहीं कर सकते, बल्कि गवर्निंग बॉडी के सदस्य ही चुनाव के द्वारा आचार्य नियुक्त करेंगे। इससे कोई यह विचार ना करे कि मैंने श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्वीकृत आचार्य चयन की पद्धति के विपरीत किसी नई पद्धति का अवलंबन किया है। कारण शास्त्रों के वचनानुसार श्रील प्रभुपाद ने हमें देश काल सुपात्रज्ञ होने का निर्देश भी दिया है। मैं समिति के आजीवन सदस्य भी नियुक्त करके जाऊंगा। उनमें से किसी के गंभीर दोष, चरित्रहीनता अथवा मठ के सिद्धांतों के विरुद्ध जीवन यापन को देखकर गवर्निंग बॉडी उसे 3 बार नोटिस देगी, किंतु तब भी उसके नहीं सुधरने पर ही कुछ कार्यवाही करेगी, इससे पूर्व नहीं। किंतु यह सब नियम किसी संस्था को सुष्ठु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक जानकर ही बना रहा हूँ। कोई भी अन्य योग्य व्यक्ति भगवत प्रेरणा से हरिनाम दीक्षा आदि देने की इच्छा करने पर मेरी कृपा से वंचित होगा अथवा मेरी अवज्ञा करेगा, ऐसा नहीं। केवल आगे पीछे का विचार करके सब करने से अच्छा है। यदि मेरा कोई शिष्य मेरी प्रकट अवस्था में भी मेरे समक्ष किसी को हरिनाम दीक्षा इत्यादि प्रदान करता है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा वर्णित 64 भक्ति के अंगों में शिष्य बनाना भी भक्ति के ही अंग के रूप में वर्णन किया गया है। उन्होंने बहु शिष्य करण त्याग अर्थात बहुत अधिक शिष्य स्वीकार करने की क्रिया का त्याग का भक्ति के 12वें अंग के रूप में उल्लेख किया है। इससे हम समझ सकते हैं कि एक योग्य व्यक्ति द्वारा परिमित संख्या में शिष्यों को स्वीकार करना निश्चित रूप से भक्ति का ही अंग है। इसलिए मैं किसी को भी शिष्य बनाने के लिए निषेध नहीं करता। कारण हमारे कुछ पूर्व आचार्यों ने भी निज गुरु के प्रकट काल में ही शिष्य स्वीकार किए हैं। उदाहरण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी ने अपने गुरु श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष तथा श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्तिनाथ ठाकुर तथा श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नामक अपने प्रभु द्वय के प्रकट काल में ही कुछ भक्तों को हरिनाम दीक्षा मंत्र आदि प्रदान किए थे। परमार्थिक जगत के विचार अत्यंत उन्नत गूढ़ तथा सूक्ष्म हैं। उनमें संकीर्णता का प्रवेश होने पर बहुत अधिक उपद्रव होता है। आचार्य निष्पक्ष तथा निरपेक्ष होता है। निर्भीक एवं उदार होना उनका प्रधान लक्षण होता है। वे शास्त्र अनुमोदित आचरण का स्वाधीन रूप से निर्भीक होकर पालन करते हैं। अपनी अप्रकट लीला का प्रकाश करना। अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित करने से प्रायः 2 मास पूर्व गुरु महाराज ने अपनी अस्वस्थ लीला प्रकट की। उन्होंने मेरे गुरु भ्राता श्री बलभद्र ब्रह्मचारी के माध्यम से मेरे लिए एक पत्र लिखवाया तथा हस्ताक्षर उन्होंने स्वयं किए। पत्र में उन्होंने लिखवाया, मेरे अस्पताल में जाने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी, किंतु कुछ एक भक्तों की विशेष इच्छा हेतु मैं अस्पताल में जाने के लिए बाध्य हुआ। वे देखना चाहते हैं कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है तथा उनके लिए मैं उनकी अभिलाषाओं में सहयोग प्रदान करूँगा। गुरु महाराज के पत्र को प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात मुझे अपने ज्येष्ठ सत्तीर्थ श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव आपको पुनः पुनः स्मरण कर रहे हैं। आप पूरी मठ के निर्माण की व्यवस्था का दायित्व अन्य किसी को सौंप कर जितना शीघ्र कोलकाता आ सके उतना अच्छा होगा। उनका पत्र प्राप्त होते ही मैंने अपने गुरु भ्राता श्री गौरांग प्रसाद प्रभु से कहा, मेरे कोलकाता जाने हेतु अभी रेल स्टेशन जाकर टिकट बनाकर ले आओ। आरक्षण की आवश्यकता नहीं, जिस गाड़ी की टिकट मिले ले लेना। जब मैं कोलकाता श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में पहुंचा, तब मुझे देखते ही हमारे गुरु बहन श्रीमती कमला घोष
क्रंदन करते हुए मुझसे कहने लगी, आप गुरु महाराज को शीघ्र अति शीघ्र अस्पताल से ले आओ। मैं जब गुरु महाराज के निकट अस्पताल में पहुंचा, उस समय मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति सुंदर नारसिंह महाराज उनकी सेवा कर रहे थे। मुझे खाली हाथ आए देखकर गुरु महाराज ने मुझसे पूछा, अपना बिस्तर लाए हो? मैंने उत्तर दिया, बिस्तर की क्या आवश्यकता है, यदि आवश्यकता हो भी तो संवाद देते ही मठ से बिस्तर आ जाएगा। गुरु महाराज ने मेरी बात सुनकर कहा, अस्पताल वालों के बिस्तर पर सोना नहीं, इसे जो कोई भी व्यवहार करता है, किसी अन्य का बिस्तर व्यवहार करने से उनके गुण तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे, उनका चिंता स्तोत्र तुम्हारे भीतर घर कर जाएगा, इसलिए किसी के भी बिस्तर पर सोना नहीं। बिस्तर मंगा पाना यदि संभव पर ना हो तो अंततः अपना उत्तरीय वस्त्र बिस्तर पर बिछाकर उस पर सो जाना। कुछ समय पश्चात गुरु महाराज ने श्री भक्ति सुंदर नरसिंह महाराज को कोलकाता मठ के वार्षिक उत्सव के लिए भिक्षा संग्रह करने हेतु भेज दिया तथा मुझे अपने निकट अस्पताल में रख लिया। कुछ दिन तक अस्पताल में रहने के पश्चात डॉक्टर ने मुझसे कहा, आप अपने गुरु महाराज को मठ ले जाओ, यही अच्छा होगा। मैं गुरु महाराज को अस्पताल से छुट्टी दिलवाकर मठ ले आया। गुरु महाराज की अस्वस्थता के विषय में सुनकर श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति शिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज तथा श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज कोलकाता मठ में आकर वहीं वास करने लगे। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कोलकाता में वास करने वाले श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज तथा श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज गुरु महाराज की प्रसन्नता हेतु निरंतर कीर्तन करने लगे। गुरु महाराज ने 27 फरवरी 1969 मंगलवार शुक्ल प्रतिपदा तिथि को वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथदास बाबाजी महाराज तथा श्री रसिकानंद देव गोस्वामी की तिरुभाव तिथि को उपलक्ष्य करके अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित किया। श्री हरिदास ठाकुर द्वारा अपने अंतिम समय में उच्चारित वचनों के अनुरूप ही गुरु महाराज ने इन शब्दों का उच्चारण करते हुए नित्य लीला में प्रवेश किया। अनेक नचाइला प्रभु राखो नाचन, अर्थात आपने मुझसे बहुत नित्य कराया है, अब कृपा विश्राम लीजिए। समाधि लीला के समय एक विस्मयजनक अनुभव, मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति ललित गिरि महाराज गुरु महाराज के अप्रकट होने के संवाद को सुनकर श्री धाम मायापुर पहुंच गए। श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज ने उन्हीं के माध्यम से गुरु महाराज की आरती तथा भोग निवेदन कराया। जब उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में पुष्प निवेदन किए और गुरु महाराज के चरणों को स्पर्श किया, तब उन्होंने कहा, गुरुदेव का तो शरीर ठंडा ही नहीं पड़ा, उनकी देह की कांति में भी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ। मुझे भय हो रहा है कि कहीं हम उनके प्राण रहते ही तो उन्हें समाधि नहीं दे रहे। वास्तव में गुरु महाराज का शरीर ठंडा पड़ा ही नहीं था। दोषों को अनदेखा कर सद्गुणों को पोषित करना। मैंने अपने मठवास के प्रारंभिक दिनों में अपने हृदय की अनेक ग्रंथियों के कारण परम वंदनीय परम सेवनीय गुरुपाद पद्म को मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए कितनी ही प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु बाध्य किया। जिनकी सेवा करनी चाहिए उनसे अनेक प्रकार की अपनी सेवा करवाई। वात्सल्य करुणा से परिपूर्ण गुरु महाराज ने अपने बालक की भांति सब प्रकार से मेरा पालन किया, सेवा कार्य में नियुक्त किया, अदोषदर्शी बनकर केवल मेरे लेश मात्र गुण को लक्ष्य करके उसी के आधार पर मुझे भक्ति पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। भृतस्य पश्यति गुरुनपि न अपराधन, अर्थात सेवक के अपराधों को नहीं देखने की नीति का अवलंबन कर गुरु महाराज ने करुणापूर्वक मुझ जैसे अयोग्य अपराधी व्यक्ति को भी सब प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी। इतना ही नहीं, अपने अंतिम समय में भी अपनी समस्त सेवाओं को मुझ द्वारा ही ग्रहण किया। उन्होंने अपनी समाधि की सेवा भी
श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के अनुगत में मेरे हाथ से ही ग्रहण की।